हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। जो चैप्टर हमारा चल रहा था क्रमचय और संचय, यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसी चैप्टर को हम करने वाले हैं। और बच्चों, जो आपका क्रमचय वाला पार्ट चल रहा था उसी पे अभी फोकस रहने वाला है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका होमवर्क था। अगर किसी को याद हो कि भाई होमवर्क भी करना था और किसी ने किया है तो आप आंसर बता दीजिए, नहीं तो यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि जैसे हमने पहले वाला किया था बिल्कुल उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले, क्या दिया है? चार लाल, तीन पीली तथा दो हरी डिस्कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं है। तो इसको समझिए आप कि कुल डिस्क कितनी है, पहले तो हम ये पता करना है, ठीक है? तो कुल डिस्क कितनी होने वाली है? कुल कुल डिस्क देखिए, चार तो लाल है प्लस तीन पीली और दो हरी, तो कुल डिस्क होगी चार प्लस तीन सात और दो नौ। इतना क्लियर है? अब बताइए मुझे कि यहाँ पे लाल डिस्क कितनी है? लाल डिस्क, लाल डिस्क है चार, ये समझ गए, एक दो तीन और चार, ये लाल डिस्क हो गई। उसके बाद आपको बोला गया है तीन पीली डिस्क है, तो यहां पे आप लिखेंगे पीली डिस्क ये है तीन, एक दो और तीन। फिर उसके बाद हरी डिस्क, तो हरी डिस्क कितनी हो गई? हरी डिस्क हो गई दो, एक और दो। तो इनको अब क्या करना है? इनको एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है, ठीक है? पंक्ति में अरेंज करना है। तो पंक्ति में कैसे अरेंज कर सकते हैं भाई? किसी भी तरह से कर सकते हैं। दो हरी हैं, तीन पीली, चार लाल, ठीक है? तो टोटल नौ हो गई। तो नौ डिस्कों को आप किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये मान लेता हूं कि सबको मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। इस तरह से होगी। अब ये जो मान लीजिए लाल है, ये यहां भी आ सकती है, ये यहां भी आ सकती है, यहां भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है ये, ठीक है? ऐसे ही हर एक डिस्क आगे पीछे कहीं भी आ सकती है। तो बताना है कितने प्रकार से व्यवस्थित हैं। एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं है, मतलब जैसे ये चार लाल हैं तो बिल्कुल एक जैसी ही दिखेंगी, कोई फर्क इसमें नहीं होगा। तो याद होगा आपने नंबर वाला किया था, ठीक है? या फिर अल्फाबेट्स किए थे, तो उसमें क्या थे कि अल्फाबेट्स अगर रिपीट हो रहे थे, कोई भी चीज रिपीट होती है, ठीक है? जैसे सी डबल ओ एल, तो कितने इसमें लेटर्स हैं? चार लेटर्स हैं इस वर्ड में, कूल में। तो हम किस तरह से करते थे इसको कि बताइए भाई कितने प्रकार से इसको अरेंज किया जा सकता है, इसके लेटर्स को, और कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या करते थे, चार का फैक्टोरियल कर देते थे और नीचे दो का फैक्टोरियल, मतलब दो का फैक्टोरियल इसलिए किया कि ओ ये रिपीट हो रहा है दो बारी, तो हम क्या करते थे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते थे। वही चीज हम यहाँ पे भी लगाने वाले हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो अब आप समझ भी गए होंगे कि किस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे। अब अभीष्ट संख्या जो पूछी गई है वो मुझे बताइए आप इसको सॉल्व करके। काफी हद तक मैंने क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिया है, अब इसकी अभीष्ट संख्या क्या होगी वो मुझे बता दीजिए।
तो स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमें कुल डिस्क कितनी है वो पता है हमें, 9 है तो 9 का फैक्टोरियल तो हम करेंगे ही, लेकिन कितने डिस्क रिपीट हो रही हैं, कितने डिस्क सेम है उसका फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो लाल कितनी है, 4 है, तो 4 का फैक्टोरियल इंटू फिर 3 का फैक्टोरियल करेंगे इंटू 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि इतने डिस्क ये रिपीट हो रही हैं, देख सकते हैं ये 3 है ये 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। करिए अब सॉल्व, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 का फैक्टोरियल हम लिख देते हैं डायरेक्ट। तो ये तब तक हम करते जाएंगे जब तक नीचे वाले फैक्टोरियल के बराबर ना आ जाए, ताकि हम उसको कैंसिल आउट कर सकें। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। फिर 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है, और फिर 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 आ गया। अब इसको फर्दर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 63 इंटू 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 इंटू 7 63 और 4 इंटू 5 20 आ गया, और 63 दूनी कितना हो जाता है, 126, 0 एज इट इज, तो 1260 इसका आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहां पे इस क्वेश्चन को देखेंगे। पहले आपको वर्ड दिया है इंडिपेंडेंस, तो इसी वर्ड के ऊपर आपके क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। यहां पे क्या बोला गया है कि इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपली आपको इससे बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कर देनी है। कैसे करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वही तरीका होगा। इस तरह के तो आप बहुत सारे कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन की विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई जो वर्ड इंडिपेंडेंस है, इसको मैं लिख देता हूं फिर से, वर्ड इंडिपेंडेंस है, ठीक है, इंडिपेंडेंस वर्ड है, इसमें कुल अक्षर कितने होंगे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें, कुल अक्षर। कुल अक्षर कितने होंगे ये देखिए, यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो 12 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल अक्षर 12 हो गए। अब हम क्या देखेंगे कि कौन से अक्षर रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट वाले अक्षर देखेंगे तो 1 2 3, तो जो एन अक्षर है वो कितनी बारी रिपीट हो रहा है, वो तो 3 बारी हो रहा है। इसी तरह और कोई अक्षर रिपीट हो रहा हो तो उसको भी चेक कर लेंगे हम। अगर ई की बात करें तो 1 2 3 और ये 4, तो ई अक्षर की बात करें तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है 4 बार। फिर डी अक्षर की बात करते हैं, 1 2, तो डी अक्षर 2 बार रिपीट हो रहा है। पता लग गया कि कौन सा अक्षर कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब
अब सिंपली आप सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट आप लिख देंगे कि आपसे पूछा गया है अभीष्ट मतलब रिक्वायर्ड विन्यासों की संख्या कितनी होने वाली है। करिए इसको सॉल्व कीजिए। तो यहां पे स्टूडेंट्स ऊपर लिखेंगे 12 का फैक्टोरियल और किस किस से डिवाइड करना है उसके फैक्टोरियल से जितनी बारी कोई अक्षर रिपीट हो रहा है, जैसे कि 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। एक अक्षर 4 बारी रिपीट हो रहा है, एक 3 बारी और एक 2 बारी। इसको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करना तो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। 12 फैक्टोरियल को आप करेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और इसका फैक्टोरियल बटे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 4 फैक्टोरियल है इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल इजीली कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद किसको कैंसिल करना है, देखिए 3 दुनी 6 दुनी 12, तो 12 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब आपस में मल्टीप्लाई करना है इनको, तो आप ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए ताकि आपको ज्यादा टफ ना पड़े और सीधा आप मल्टीप्लाई कर पाए। तो इसको सॉल्व करिए, आगे करिए सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 11 इंटू, अगर देखिए 9 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 ने 72, 72 इंटू 10 720 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, इंटू 7 एज इट इज हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 7 इंटू 3 कर देंगे, 11 इंटू 720 इंटू 7 ये 21, 210 आ जाएगा। 7 को 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। इसके बाद हम किसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए अगर हम 11 को 210 से मल्टीप्लाई कर दें, मुझवानी कर सकते हैं हम डायरेक्टली, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 11 को 720 से भी कर दीजिए। तो 11 को 720 से करेंगे कितना आ जाएगा, 0, 11 दुनी 22, 2 हासिल 11 सते 77 और 2 79 इंटू 210, ठीक है इतना आ गया। अब इसको आप लिख के, या फिर 21 का टेबल आता है तो यहां भी आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अब ये तो सिंपल ही रह गया है।
यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा, दो जीरो तो एज इट इज हम लगा देंगे, ठीक है। तो 21 दूनी 42, चार हासिल, 21 दूनी 42 चार हासिल, 21 निमा 189 और चार हासिल थी तो कितना हो गया 193, तो 19 बच गया, 21 सते तो ये आ जाएगा 166, 19 हासिल जोड़ के। तो ये बच्चों इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लिख के भी कर सकते हैं इसको नॉर्मली जनरली जैसे करते हैं 792 इंटू आप 21 करेंगे तो देखिए 792 एज इट इज इंटू 2 दुनी 4 9 दुनी 18 1 हासिल 7 दुनी 14 15 कितना आ गया 2 9 4 13 1 हासिल 15 1 16 1 हासिल 5 और 1 6 तो 16632 आ गया और 2 0 एज इट इज आप लगाएंगे तो देखिए आंसर सेम आया है आपका। यहां पे आपने 21 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, यहां से आपने लिख के मल्टीप्लाई किया। बस ये है कि आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो आप जितना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको जितना जल्दी करेंगे उतना ही इजी आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या है वो देखेंगे, ये यहां तक आप कर लीजिए, फिर इसके फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखिए यहां पे हमें बोला गया है कि हमने ये तो निकाल लिया कि भाई विन्यासों की संख्या कितनी है, लेकिन शब्द पी से प्रारंभ होते हैं उन विन्यासों की संख्या निकालनी है, ठीक है। इन विन्यासों में से कितने विन्यासों में शब्द पी से प्रारंभ होते हैं तो ये कैसे निकालेंगे, इजी है। यहां पे फर्स्ट पार्ट आप करेंगे शब्द पी से प्रारंभ होते हैं, तो देखिए इंडिपेंडेंस है 12 अक्षर का शब्द है, 12 अक्षर का शब्द है, लेकिन सबसे पहला अक्षर क्या होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए, पी होना चाहिए, ठीक है। तो पी को हमने फिक्स कर दिया, उसके बाद कितने अक्षर बच गए, 11 अक्षर बच गए, भाई पी तो यही रहेगा, कुछ कर लो, पी तो पहले स्थान पे ही रहेगा, बाकी बच गए 11 अक्षर, तुम आगे पीछे कर सकते हो, भाई बोल दिया 11 अक्षर, ये आगे पीछे अपनी प्लेस चेंज कर सकते हैं, लेकिन पी तो वही रहेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए जो अक्षर रिपीट हो रहे हैं इस केस में कुल अक्षर हो जाएंगे हमारे पास 11, ठीक है, और जो रिपीट कर रहे हैं वो देखिए एन कितने हैं, 3 है, ई 4 और डी 2, है ना, इतनी बार रिपीट कर रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, हम इस बारी 11 है तो 11 ही अक्षर अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो कुल अक्षर यहां पे 11 हो गए बटे 11 फैक्टोरियल बटे जो रिपीट हो रहा है वो तो एज इट इज आप लिख देंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बटे ये लिख देंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और अब हम इनको कैंसिल आउट करना स्टार्ट करते हैं,
तो किस तरह से कर सकते हैं आगे कैंसल आउट, 3 दूनी 6 और 2 से इसको कैंसल आउट कर देंगे, ये 4 आ जाएगा। आगे हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, क्या क्या बच गया ये देख लेते हैं। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, इन सबको आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो देखिए इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 110 हो गया, इंटू 9 इंटू 7 63 हो गया, 9 7 63 और 4 5 20, यहां तक तो इजीली हम कर पाए हैं। अब हमें क्या करना है, 110 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 2200 इंटू 63, है ना। तो अब 22 को 63 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 22 दिया 66, 20 तो एज इट इज लगेंगी, 22 दिया 66, 6 हासिल, 22 7 154। तो इसको आप क्या करेंगे, 22 इंटू 6 कर देंगे, 132, 132 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 138। तो ये आ गया 138,600। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो जिस टाइप का भी हो आप उसी तरह से इनको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट सॉल्व करते वक्त इसमें क्या बोला गया है कि भाई सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो सभी स्वर एक साथ है इस केस में क्या कंडीशन बनेगी, देखिए पहले तो हम ये देखेंगे कि जो वर्ड इंडिपेंडेंस है उसमें सभी स्वर कौन से हैं। तो इंडिपेंडेंस में दोबारा लिख लेता हूं, इसमें स्वर देखेंगे हम सबसे पहले, कितने हैं स्वर चेक कीजिए। एक तो ए ई आई ओ यू होते हैं, तो आई हो गया, ठीक है। आई के बाद जितने भी ई आपको दिख रहे हैं वो स्वर होंगे, तो कितने ई हैं, 1 2 3 और 4, ये सभी चीजें एक साथ आएंगी, ठीक है। इसके अलावा कितने अक्षर बचते हैं वो आप देख लीजिए, अगर इनको हटा के मैं लिखूं अक्षर, तो एन डी P N D N C, तो ये 7 अक्षर बच गए, कितने अक्षर बच गए, 7 अक्षर बच गए। तो अब देखिए कि ये सब तो एक साथ ही आएंगे भाई, कुछ कर लो, ये 7 अक्षर हो गए और एक इसको ले सकते हैं, तो टोटल अक्षर कितने हो गए, यहां पे अगर देखें तो कुल अक्षर 7 प्लस 1 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब भाई आप बोलेंगे कि पिछले क्वेश्चन में तो आपने एक अक्षर जो आगे आया था उसको तो आपने हटा दिया था, तो 12 की जगह 11 ही आए थे, यहाँ पे 7 प्लस 1 क्यों कर दे, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं बोला गया है कि ये पहले ही पोजीशन पे आएंगे, उसमें बोला गया था पहले स्थान पे है, यहाँ पे ये एक साथ आएंगे बस ये बोला गया है, चाहे कहीं भी रहें, तो इसको हम एज ए वन लेटर ट्रीट करेंगे, ठीक है होल को। लेकिन इसमें भी क्या है,
इसमें भी ये आपस में आगे पीछे तो हो सकते हैं। जो ये स्वर है एक साथ भले ही आने हैं, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपस में स्विच हो सकते हैं। तो ये कितने हो गए, पांच हो गए, दो तीन चार पांच। तो यहां पे स्वर भी कितने हैं, स्वर है पांच। तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको अभीष्ट संख्या निकालनी है। किस तरह से निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए 8 फैक्टोरियल है, ठीक है 8 फैक्टोरियल, क्योंकि कुल अक्षर यहाँ पे मुझे 8 दिख रहे हैं और रिपीट कितने हो रहे हैं उसमें ये भी हमें देखना है। तो देखिए इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है, एक तो एन रिपीट हो रहा है 3 times, है ना, और एक डी रिपीट हो रहा है 2 times। तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे, 3 factorial into 2 factorial। और जो स्वर हैं आपके, ठीक है जो स्वर हैं वो भी तो आपस में आगे पीछे हो सकते हैं, तो 5 factorial, लेकिन उसमें से 4 factorial तो ई है, ठीक है, तो हमें उससे भी डिवाइड करना है। इसको आगे हम सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial बटे 3 factorial into 2 into 1 into 5 into 4 factorial बटे 4 factorial। इनको आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, तो क्या बच जाएगा। अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए 4 into 7 into 6 into 5 into 4 into 5 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो देख लीजिए किसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं साथ में, 7 into 4 700 28 into 5 6 30 into 4 5 20 आगे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 28 into 3 into 2 6 600 आगे, 28 को 600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 एज इट इज, 8 6 48 चार हासिल, 6 2 12 और 4 16, तो 16800। इस तरह से कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके जो अगले वाला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखेंगे, तो यहां पे क्या बोला गया है, जैसे थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं, वो हमने निकाल लिया। यहां पे बोला गया है कि स्वर कभी भी एक साथ ना रहें, तो हम क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक देखिए, बहुत ही इजी है ये। यहां पे निकालना है कि भाई स्वर कभी भी एक साथ नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे। तो इस केस में देखिए कि जो सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि भाई इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं शब्द इंडिपेंडेंस को, तो क्या बताया गया था, इसको कर सकते हैं 12 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसमें से हम क्या कर देंगे, देखिए ये जो वर्ड इंडिपेंडेंस है उसके सभी विन्यासों की संख्या है, इसमें से अगर हम माइनस कर दें कि भाई सभी स्वर एक साथ रहते हैं, उस चीज को उस संख्या को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जो सभी स्वर एक साथ नहीं रहते वो चीज बच जाएगी। तो इसका आंसर हमें पता है क्या आया था, 16600 - 16800। इसको आप माइनस कर लीजिए डायरेक्टली, 16600 - 12 - 8 4, और यहां से यहाँ पे 2 बच गया था, तो 12 - 6 6 और
पांच माइनस एक चार, तो ये आ जाएगा 1646400। कितना सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, इजीली हमने कर दिया है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब एक और इसका पार्ट बचा है उसको कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और उनका अंत पी से होता है, इन विन्यासों की आपको संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको कैसे करेंगे? शब्द आई से प्रारंभ होते हैं शब्द आई से प्रारंभ होते हैं और पी पर अंत होते हैं, तो इसको किस तरह से करेंगे हम? देखिए फिर से हम वर्ड पे आते हैं। यहां पे 12 में से एक तो लेटर हो गया फिक्स कि पहले स्थान पे ही होना चाहिए, बाकी बीच में आएंगे और आखिरी स्थान का भी हो गया फिक्स, तो यहाँ पे दो लेटर्स फिक्स हो गए। कुल कितने बचे? अब कुल बचे 10 अक्षर। ठीक है, दो अक्षर फिक्स हो गए तो 10 अक्षर बचे, तो यहाँ पे कुल अक्षर तो हमारे पास आ जाएंगे 10। अब रिपीट कितना हो रहा है? रिपीटेशन तो वही हो रहा है, एन है 3 बारी, ई है 4 बार और टी है 2 बार। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको, 10 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल को आप लिख देंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? 3 दूनी 6 और 2 बच गया यहाँ पे, तो इनको आप कैंसिल आउट अपने हिसाब से कर देंगे। 3 दूनी 6 और 2 से इसको कर दिया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं। 10 इंटू 9 90 हो गया और 4 इंटू 5 20 हो गया, 7 तो 90 इंटू 140 और 14 इंटू 9 आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 निम्न 126, 20 एज इट इज 12600 आ जाएगा। तो इतने विन्यास होंगे जिसमें आई सबसे पहले होगा और पी एंड में होगा, पी से अंत होगा, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके लिए, इनको ध्यान पूर्वक एक बारी दोबारा जरूर कर लें, खास करके जो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया था इंडिपेंडेंस वाला, वो जरूर कर लें आप एक बारी दोबारा। और अगर कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में आप अपना डाउट क्लियर जरूर कर लें, और अपना साथ साथ इसके और भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो आप घर पे कर सकते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।